दोस्तों आयरन मैन और ब्लैक पैंथर के बीच अगर फाइट हो जाए तो इस दोनों फाइट में आखिर कौन जीतेगा, चलिए पता लगाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो आयरन मैन का स्ट्रेंथ हर एक सूट के साथ कई गुना बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप हल्क बस्टर को ही ले लीजिए, इसने हल्क को कंट्रोल किया था, मार्क 50 जिसने थैनोस को जबरदस्त टक्कर दी थी, और मार्क 85 इसने 6 स्टोन के पावर को झेला था। और अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर की, तो इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो कि कैप्टन अमेरिका के बराबरी का है। साथ ही साथ इसके पास वाइब्रेनियम से बना हुआ सूट है जो कि अर्थ का सबसे मजबूत मेटल है। ये किसी भी लाइट अटैक को एब्जॉर्ब करके उसे पावरफुल अटैक में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों इस सूट के अंदर कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि सुपर सोनिक अटैक, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके कॉन्टेक्ट में आते ही यह अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन आयरन मैन का सूट हमेशा ही अपग्रेड होता रहता है, जिस वजह से इसके अंदर कोई भी गलतियों को निकालना काफी मुश्किल है। तो ऐसा संभव है कि इन दोनों की लड़ाई में आयरन मैन जीत जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आयरन मैन लवर लव यू 3000 जरूर लिखिए।